हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगिया। टुडे वी विल डू क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। वो क्या कह रहे हैं, ये जो नंबर्स है अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो उसका वंस डिजिट क्या होगा। सी, अगर हम इसका लॉन्ग डिविजन से स्क्वायर रूट निकालें, पेयर बना लिया हमने सबसे पहले, ठीक है, 9981 माइनस कर दिया, ऊपर से हमने 01 लिया, 9 का डबल हो गया 18। अब 1 किसके टेबल में आता है, या तो 1 के टेबल में आता है या 9 के टेबल में आता है। अगर हम 18 के साथ 1 लेते हैं तो ये तो बहुत छोटा रह गया हमारा, तो हम क्या करेंगे, 18 के साथ 9 लेंगे। 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं ये नंबर आता है या नहीं आता। 9981 8, 9872 प्लस 8 80, यहाँ पे आ गया 8, 9 और 8 70, ये देखो सेम आ गया 9 पे 1701। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा, 99 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 9, ठीक है। तो सबका स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ क्या बताने, वंस डिजिट बताने हैं कि अगर हम इन नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालें तो उसका वंस डिजिट क्या होगा। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसका देखो वन जो जो यूनिट डिजिट है इसमें क्या है, वन है, यूनिट डिजिट क्या है, वन है। तो जब हम नंबर्स का स्क्वायर करते हैं 1 to 10 में देख लो इसमें, तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16। इसी तरह से हम सबका देखेंगे कि 1 किस किस में आता है, तो 1 हमारा 9 में आता है, या तो हमारा 1 में आता है, 1 होता है, या 9981 होता है। 81 में जो 1 डिजिट है वो 1 है। इसका मतलब अगर हम इस पूरे नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, एस्टिमेशन बता रही मैं कि अगर हम ऐसे लगाएं कि या तो उसका 1 डिजिट 1 होगा या 9 होगा, क्या होगा, या तो 1 होगा या 9 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो सेकेंड, अभी आपको यहाँ अच्छे से समझ आएगी। 99856 इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6। अब देखो जो 6 है वो किसके स्क्वायर में आते हैं, या तो वो 4 के स्क्वायर में आता है, 4 4 16, ठीक है, इसका वन डिजिट 6 है, या जब हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। तो 36 में 6 आता है। तो ये दो नंबर हैं जिनके स्क्वायर में 6 आता है। तो इट मीन्स जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, या तो वन डिजिट हमारा 4 होगा या हमारा 6 होगा। तो मैं आंसर लिख देंगे 4 और 6। इसका मतलब है या तो यूनिट डिजिट हमारा 4 होगा या 6 होगा। लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट पार्ट, लेट्स सी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो 998001 इसका यूनिट डिजिट 1 है। अब 1 किसके टेबल में आते हैं, या तो 1 के स्क्वायर में 1 आता है या 9 के स्क्वायर में 1 आता है। 981, 81 का जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 1 है। इट मीन जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे उसका जो यूनिट डिजिट होगा या तो हमारा 1 होगा या 9। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो 6576666025 यूनिट डिजिट क्या है, 5। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। तो यहाँ पे 5 आ गया 25 में। इट मीन्स जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे उसका जो यूनिट डिजिट होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5। लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स व्हिच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। हमें क्या बताना है कि कौन से जो नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है विदाउट कैलकुलेशन। देखो 6.1 में आपको बताया था कि जिन नंबर्स का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 होता है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते। इसका देखो यूनिट डिजिट क्या है, 3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 153 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज
because its unit digit is 3. ठीक है, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 257 is not a perfect square number because its unit digit is 7. ठीक है, ये भी हमारा perfect square number नहीं है. 408 is also not a perfect square number because its unit digit is 8. आप इन्हें यही लिख रहे हैं, same reason सब में. ठीक है, सेकेंड में भी और थर्ड में भी. फोर्थ क्या है, 441 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. ऑफ 21, किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये, 21 का. इसके लास्ट में 1 है, 1 के टेबल में 1 आता है, 9 के टेबल में भी 1 आता है, 9 9 18. ठीक है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ये तीनों नहीं है. क्यों नहीं है, फर्स्ट में आपने बता दिया इट्स यूनिट डिजिट इज 3, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. इसका यूनिट डिजिट क्या है, 7, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. इसका यूनिट डिजिट क्या है, 8, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. तो ये वाली लाइन सब में लिख देना आप, बस यहाँ पे 3 लिखे ना, इसमें आप 7 लिख देना और इसमें 8 लिख देना. लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड है मेरे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सबट्रैक्शन. क्या माइनस करना है हमें यहाँ पे, ऑड नंबर्स माइनस करना है. ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन. इसमें से कोई भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए, सारे हमने कॉन्टिन्यूस नंबर माइनस करने हैं. ठीक है, तो पहले माइनस करते हैं 199, इसमें से हमने क्या माइनस कर दिया, 3, फिर 5, फिर 7, फिर हमने क्या माइनस किया, 9. ठीक है, फिर हमने माइनस किया 11, फिर हमने माइनस किया 13, 15. ठीक है, इसके बाद हमने माइनस किया 17, इसके बाद 9, 0 आ गया. तब तक माइनस करना है जब तक ये हमारा 0 ना आ जाए. अब यहां पे कितने नंबर माइनस करने के बाद हमारा 0 आया है, दैट विल बी द आंसर. सी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो हमारा 100 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, यहां लिख देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना आ गया हमारे पास, 10. ठीक है, लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट पार्ट, 169. लेट्स सी 169 का स्क्वायर रूट. तो इसमें से माइनस करते हैं ऑड नंबर्स. पहले माइनस करेंगे 1, 3, 5, माइनस करेंगे 160 आ गया, 7, 153, 9 माइनस कर दिया हमने इसमें से, फिर 9 के बाद 11 माइनस कर देते हैं, 11 के बाद 13, 15, कितना आ गया 105. इसके बाद हमें 17 माइनस करना है. ठीक है, इसके बाद 19 माइनस कर दिया 69 में से हमने माइनस किया 21, 48 आ गया, 48 में से हमने माइनस किया 23, कितना आ गया 25, 25 में से हमने माइनस कर दिया 25, तो आ गया 0. ठीक है, ये सारे ऑड नंबर्स है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25. हाँ जी, कितने नंबर माइनस करने पे हमारा 0 आया, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 नंबर माइनस करने पे हमारा क्या है, 0 आया. इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू 13. लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन.